इसराइल भले ही हमास को तबाह और बर्बाद करने का दावा करे, लेकिन हकीकत में इसराइल गाजा युद्ध में बुरी तरह से फंसता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट से दावा करती है कि लेबनान के हिजबुल्ला ने ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है। मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्ला। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक 45,000 हमास के लड़ाकों में से लगभग 10,000 लड़ाके इजरायली सेना के हाथों मारे जा चुके हैं। 1300 सुरंगों में से 700 सुरंगें तबाह करने का दावा इजरायली सेना कर रही है। उत्तरी गाजा की 40,000 इमारतें तबाह करने का दावा IDF कर रही है। ऐसे हालात में अब हमास के बचे खुचे कमांडर और लड़ाके दावे कर रहे हैं कि भले ही जंग के मैदान में गाजा पट्टी और हमास को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अब गाजा में हमास का बदला हिजबुल्ला के लड़ाकों ने लेना शुरू कर दिया है। जरा देखिए हिजबुल्ला के लड़ाके कितने बेरहम और घातक हमले इजरायली सेना पर कर रहे हैं। इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी इसराइल पर अटैक जोरदार तरीके से करने लगा है। हिजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। इसराइल की सेना IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स दो मोर्चों पर लड़ रही है, एक गाजा पट्टी और दूसरा लेबनान बॉर्डर पर आतंकी संगठन हिजबुल्ला से। इसराइली मीडिया के दावों के मुताबिक इसराइल ने 70 से ज्यादा हिजबुल्ला लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला की सीधी धमकी के बाद हिजबुल्ला ने सैकड़ों रॉकेट से इसराइल पर भीषण हमला कर दिया है। बमों की बिछा दी चटाई, बेरूत ने लिया गाजा का बदला। लेबनान की तरफ से इसराइल के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हिजबुल्ला ने किया है। खबरों के मुताबिक दक्षिण में हमास के साथ युद्ध के बीच लेबनान द्वारा भारी बमबारी से उत्तरी इसराइल को झटका लगा है। इसराइल की IDF ने खुद माना है कि कुछ ही मिनटों के अंदर ही लेबनान की तरफ से एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे गए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक हिजबुल्ला के रॉकेट सासा और शटुला की बस्तियों के पास गिरे हैं। लेबनान की ओर से उत्तरी इसराइल पर हमले को बदले की कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर भयंकर गोलाबारी की है। इसके पहले हिजबुल्ला ने दावा किया था कि उसने लेबनान के ऊपर उड़ रहे इजरायली एल्बर्ट हर्मेस 450 ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी है। جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودک‌کش جعلی مر گیا حماس، اب لڑ رہا ہے حزب اللہ۔ حزب اللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ इसका अपना सशस्त्र विंग है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1,50,000 मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान के सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इसराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गोरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। इसराइल के एक ड्रोन ने 18 नवंबर को तड़के दक्षिणी लेबनान के शहर नबातिये के बाहरी इलाके में एक एल्यूमिनियम संयंत्र पर दो मिसाइलों से जबरदस्त हमला किया था, जिससे हिजबुल्ला को भारी नुकसान हुआ था। इसराइल के इस हमले को लेबनान समर्थित ग्रुप हिजबुल्ला को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, बीते एक महीने से जारी हमास इसराइल जंग में लेबनान इसराइल के खिलाफ इस्लामिक देशों ने एकजुट होने की कोशिश की है, लेकिन इजरायली दांव पेंचों के सामने अरब और मुस्लिम मुल्कों की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई। והיא נעשית בצורה מדויקת, סלקטיבית,
אבל מאוד מאוד נחושה. ככל שנעמיק את הפעולה הזאת, וככל שנגביר את הלחץ על החמאס ונשחוק עוד מפקדות, נפגע בעוד מנהרות, נחסל עוד פעילים ונוריד עוד ראשי ארגונים, ככל שהדבר הזה יגבר, כך גדל הסיכוי. इधर उत्तरी गाजा में भयानक तबाही और बर्बादी मचाने के बाद से इजरायली सेना ने कोहराम मचाना फिर शुरू कर दिया है। इस बार दक्षिणी गाजा को इजरायली सेना तमाम वादों को तोड़ते हुए हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। लगभग 18,000 हमले इजरायली सेना वेस्ट बैंक, उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में किए हैं। उत्तरी गाजा से भागकर दक्षिणी गाजा पहुंचे फिलिस्तीनियों पर दोहरी मार पड़ रही है। ताजा खबर के मुताबिक इजरायल ने एक बार फिर से जबालिया कैंप पर भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। जबालिया के इस रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र का एक स्कूल भी है, जिसे शेल्टर होम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाजा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है। पिछले महीने भी इस रिफ्यूजी कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई थी, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। وين كنت لما صار القصف يا عمو؟ ما كنت وياك. إلا صارت ثلاث دبات. ما كنت شوفها. فهد الخبر. وثلاث دبات حبيت حية. والله ثلاث دبات حبيت حية. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 नवंबर की सुबह जबालिया रिफ्यूजी कैंप में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई। इस हमले में 50 लोग मारे गए, वहीं एक दूसरी बिल्डिंग पर भी हमला हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 32 लोग मारे गए। इनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारह हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा में बचे फिलिस्तीनियों के भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। जबकि हमास के लड़ाके सफेद झंडा दिखाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि तबाह गाजा में मर रहे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा है। प्याज खाकर फिलिस्तीनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा के गोदाम में रखा हुआ सैकड़ों टन प्याज इस वक्त उत्तरी गाजा में लोगों को भूख से बचाने में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर प्याज खाकर फिलिस्तीनी कब तक अपनी जान बचा पाएंगे? मर गया हमास, अब लड़ रहा है हिजबुल्ला। इधर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी इस बात से खौफ में आ चुके हैं कि हमास को इजरायल दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। हिजबुल्ला के कमांडरों की टारगेट किलिंग इजरायल कर रहा है और मुस्लिम मुल्क सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जमीन पर एक भी मुस्लिम मुल्क इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग करने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन खुद गाजा के आसपास भी फटक नहीं रहा है। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजरायली सैनिकों के बीच दावा कर रहे हैं कि हम हमास और उसके समर्थन करने वाले हर लड़ाके को चुन चुन कर मार रहे हैं और मारते रहेंगे। इजरायली सेना ने नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जिहाद मुहसिन और उसके पूरे परिवार का सफाया इजरायल ने हवाई हमले में कर दिया।
ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और तुर्की के दम पर हमास भले ही इतरा रहा हो, लेकिन इसराइल ने दिखा दिया है कि चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्ला, ईरान चुन चुन कर एक एक दुश्मन को दबा कर देगा। जरा इसराइल की आईडीएफ के हवाई हमलों के इस वीडियो को देखिए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हवाई हमलों में फिलिस्तीन और हमास के लोगों की इमारतें तरबूज की तरह फट रही हैं। इसराइल के तूफानी हवाई हमलों में बमों के धमाके ऐसे इमारतों को उड़ा रहे हैं कि जैसे तूफान में पेड़ उखड़ गए। सबालिया में हमास ने दिखाया सफेद झंडा। हमास और हिजबुल्ला की तबाही के इन तस्वीरों ने अरब देशों में भयंकर गुस्सा भर दिया है। इस वक्त 22 अरब मुल्क इसराइल के खून के प्यासे हो चुके हैं। इसराइल, हमास और हिजबुल्ला के बीच बची खूनी जंग हर दिन और खूनी होती जा रही है। अब तक जंग में दोनों तरफ से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उधर गाजा पट्टी में हुई बमबारी में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईडीएफ ने गाजा पट्टी में 16,000 से ज्यादा हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमास और हिजबुल्ला दोनों का मकसद एक है, दोनों इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में नरसंहार करने के लिए 5,000 स्पेशल लड़ाकों को तैयार किया है, जो पलक झपकते ही इजरायली लोगों को मार सकते हैं। इसीलिए लेबनन बॉर्डर पर इजरायली सेना ने 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद गांवों से इजरायली लोगों को हटा दिया है। उम्मत इस्लामी व मर्दुम दुनिया इंतजार दारंद आन हर चे सरीतर इसराइल भी जानता है कि हमास और हिजबुल्ला के साथ साथ 57 मुस्लिम देशों से भी उसे जंग करनी पड़ सकती है। इसीलिए बाइडन ने नेतन्याहू का सीना ठोकते हुए इशारा किया है कि आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हमास के सफाए में अमेरिका इसराइल का साथ देगा। अब गाजा जंग अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। इसराइल भी जानता है कि ईरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है, जबकि हिजबुल्ला के 65,000 लड़ाके इसराइल को तबाह करने पर आमादा है। इसराइल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक हैं। इसराइल की 4.65 लाख की रिजर्व फोर्स को जोड़कर भी इसराइल ईरान के आसपास नहीं टिकता है। अब देखना होगा इसराइल हमास और हिजबुल्ला से कैसे निपटता है।